बताने जा रही हूँ मुलांग सात के बारे में। तो आज का वीडियो है मेरा मुलांग सात पर। तो आप देखेंगे जैसे आपका भी बर्थ अगर 16, 7 और 25 इन डेट्स में से हुआ है तो आप भी है मुलांग सात। तो मुलांग सात के बारे में मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ। मैं मुलांग सात पारों के बारे में आपको थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। तो मुलांग सात का जो स्वामी है वो केतु है। तो मुलांग सात वालों के कुछ नेचर के बारे में आपको बताना चाहूंगी। इनकी तर्क शक्ति बहुत मजबूत होती है। दूसरा, ये लोग स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के बाउंड होना नहीं चाहते हैं। दूसरा, ये लोग बहुत स्पष्टवादी होते हैं, जो बोलना होता है ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। खुले दिमाग के होते हैं, दूसरों के मन के हिसाब से ये नहीं चलते, ये अपने मन के हिसाब से चलते हैं। और दूसरों की बात सुनने में ये लोग बहुत माहिर होते हैं, बहुत ध्यान से लोगों के रुझान को सुनते हैं। अब मुलांग सात वालों के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इनके माता पिता के साथ भी इनके विचारों में थोड़ी भिन्नता रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि भिन्नता का मतलब उनका क्रॉस है, नहीं, लेकिन खुले विचार के होने के कारण इनके विचार जो होते हैं वो सबसे अलग होते हैं, यानी कि तर्कशील होते हैं। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये लोग दान पुण्य वाले बहुत होते हैं, दान पुण्य में बहुत धन अधिक खर्च करते हैं मुलांग सात वाले। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी मुलांग सात वालों के बारे में जो इनकी हेल्थ से रिलेटेड है। मुलांग सात वाले जो होते हैं इनको हाई बीपी, ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है। दूसरा, इनकी हेल्थ जो है डिप्रेशन हो गया, ज्यादा सोचना बहुत ज्यादा इनके लिए हानिकारक होता है, और एक इनके आई साइड भी होती है। मुलांग सात वालों को ये तीन प्रॉब्लम से बच के रहना चाहिए, तो अपने माइंड पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगी मुलांग सात वालों के बारे में, ये लोग बुक रीडिंग का बहुत शौक रखते हैं। बुक रीडिंग के साथ साथ ये सामने खड़े बंदे को भी पढ़ लेते हैं। अगर ये 15 से 20 मिनट उनसे नॉर्मली टॉक रखते हैं, ये उस बंदे को पहचान जाते हैं। ये मुलांग सात वालों की खासियत है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, इनके अंदर शिक्षा के प्रति बहुत प्रेम होता है। ये लोग एजुकेशन से बहुत प्यार करते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं शिक्षा के प्रति। दूसरा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, मुलांग सात होने के कारण ये लोग विदेशों में भ्रमण भी करते हैं, विदेशी लैंग्वेजेस को भी जानते हैं, प्लस विदेशों में अपना घर भी बनाते हैं। ये इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कौन, मुलांग सात वाले। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि इनके नेचर में एक छोटी सी कमी होती है कि इनको क्रोध बहुत जल्दी होता है और दूसरों के बारे में राय बहुत जल्दी बना लेते हैं। तो मुलांग सात वालों के लिए मैं एक छोटी सी अपनी एक रेमेडी बीच में ही देना चाहूंगी कि ये लोग या तो हनुमान जी की उपासना करें या केतु की उपासना करें, या अगर इन दोनों में से कुछ नहीं कर पाए तो मैं इनको बोलूंगी कि ओम गण गणपते नमः का जाप किया कीजिए नित्य। तो इनकी काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो गणेश जी की कृपा से पूरी हो जाएंगी। अब आप इन लोगों के लिए मैं कुछ लकी नंबर्स बताने जा रही हूँ। 1, 2, 5, 14, 25 ये इनके लिए बहुत लकीएस्ट नंबर होते हैं मुलांग सात वालों के लिए। दूसरा, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रही हूँ कि इनके लिए जो फेवरेबल कलर्स होते हैं व्हाइट, येलो, पिंक एंड ग्रीन। और अगर मुलांग सात वालों के लिए अनलकी नंबर की बात करें तो रेड कलर इनके लिए बहुत अनलकी रहता है। जी हाँ, रेड कलर जो है इनके लिए काफी अनलकी रहता है। अगर आप में से भी किसी को रेड कलर से एलर्जी हो या रेड कलर उनके लिए सूटेबल नहीं हो तो हो सकता है आप भी मुलांग सात वाले हो। तो आज के वीडियो में मैंने आपको मुलांग सात वालों के लिए बताया। और एक छोटी सी बात मुलांग सात वालों के लिए मैं बताऊंगी कि ये लोग व्हाइट कलर या येलो कलर का हैंकी भी सी बात मुलांग सात वालों के लिए मैं बताऊंगी कि ये लोग व्हाइट कलर या येलो कलर का हैंकी भी अपने पास रखा करें, जो इनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ये थी आज मुलांग सात की बात। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताने जाऊंगी मुलांग आठ के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।